हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएस एजुकेशन। आज हम लोग करेंगे बैंकिंग अवेयरनेस, जिसमें हम कवर करेंगे जुलाई मंथ। ठीक है, तो ये है जुलाई पार्ट फर्स्ट। इसके दो पार्ट आएंगे, ये पार्ट फर्स्ट है और फिर नेक्स्ट में लाऊंगी पार्ट सेकंड। ठीक है, तो दो पार्ट में जुलाई मंथ कंप्लीट हो जाएगा। और जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं उनको मैं बता दूँ कि जून मंथ जो है वो मैं ऑलरेडी कंप्लीट करवा चुकी हूँ, उसके करंट और बैंकिंग दोनों। तो अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो वो आप देख लीजिए। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, विच बैंक लॉन्च्ड अ किसान मेला आउटरीच प्रोग्राम फॉर फार्मर्स टू हेल्प इन इम्पार्टिंग फाइनेंशियल लिटरेसी टू द फार्मर्स ऑन जुलाई 18, 2018। तो इनमें से कौन से बैंक ने किसान मेला प्रोग्राम जो है उसको ऑर्गेनाइज करवाया था, ताकि वो फार्मर्स को एजुकेट कर सके फाइनेंशियल लिटरेसी के बारे में। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर टू, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो ये किसान मेला आउटरीच प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कराया था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने। इसमें एक तो उन्होंने फार्मर्स को इस चीज़ के बारे में एजुकेट किया था, दूसरा इन लोगों ने यहाँ पर किसान को प्रोवाइड करवाए थे किसान क्रेडिट कार्ड। किसान क्रेडिट कार्ड जो है वो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसके कुछ पॉइंट्स आपको ध्यान से देखने होंगे। जैसे कि सबसे पहली चीज़ कि इसकी जो मॉडल स्कीम थी वो प्रिपेयर करी थी नाबार्ड ने। ये जो क्वेश्चन है ये पिछली बार IBPS PO मेंस में आ रखा है, तो इसलिए आप ध्यान रखना कि इसकी मॉडल स्कीम प्रिपेयर करी है नाबार्ड ने। नाबार्ड का हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में। कुछ और चीज़ें किसान क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड, किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम जो है ये फार्मर्स को फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए खोली गई थी। उसके बाद इसमें जो पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूशंस हैं वो होते हैं हमारे कमर्शियल बैंक्स, रीजनल रूरल बैंक्स और स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स। ठीक है, इस स्कीम का फ़ायदा उठाने के लिए जो प्रीमियम देना पड़ता है वो बैंक और बोरोवर को एक रेशियो में देना पड़ता है। यहाँ पर बैंक कौन है? ये कमर्शियल, रीजनल रूरल और स्टेट कोऑपरेटिव बैंक। जितने भी पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूशंस हैं वो यहाँ पर बैंक हैं, और यहाँ पर बोरोवर है किसान या फिर फार्मर्स। तो इनको प्रीमियम देना पड़ता है 2:1 रेशियो में। उसके बाद जो इंश्योरेंस है KCC के अंडर, उसमें अगर किसी की डेथ हो जाती है तो उसको मिलते हैं ₹50,000, और अगर कोई डिसेबिलिटी हो जाती है यानी कि किसी का एक्सीडेंट हो जाता है तो फिर उसको मिलते हैं ₹25,000। उसके बाद इसकी वैलिडिटी है 5 ईयर्स की, और ये एक्सटेंड हो सकती है 3 और साल के लिए। ठीक है, उसके बाद इसमें एज लिमिट है 18 to 75 ईयर्स। तो 18 to 75 ईयर्स के अंडर ही अगर कोई लोग आते हैं तो वो ही किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम को यूज़ कर सकते हैं। तो ये सारे पॉइंट्स आप ढंग से नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय एयरटेल ओन टेलीकॉम टावर कंपनी भारती इंफ्राटेल लिमिटेड गॉट एन अप्रूवल फ्रॉम द कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया फॉर इट्स मर्जर विथ। तो भारती एयरटेल की कंपनी जिसका नाम है भारती इंफ्राटेल लिमिटेड, उसको कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया ने अप्रूवल दे दिया है उसके मर्जर के लिए। तो उसका मर्जर किसके साथ हुआ है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर टू, इंडस टावर्स लिमिटेड। ठीक है, तो भारती इंफ्राटेल लिमिटेड का मर्जर हुआ है इंडस टावर्स लिमिटेड के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर वॉज द फिफ्थ रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप इंटरसेशनल मिनिस्ट्रियल मीटिंग हेल्ड। तो RCEP की फिफ्थ इंटरसेशनल मिनिस्ट्रियल मीटिंग जो है वो कहाँ पर हुई थी? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर वन, टोक्यो जापान में। ये पहली मीटिंग थी जो आसियान कंट्रीज़ के बाहर हुई थी। अब देखो यहाँ पर आसियान कंट्रीज़ की बात क्यों हुई, क्योंकि आपको समझना पड़ेगा कि RCEP होता क्या है। RCEP जो है वो है एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किनके बीच में? 10 आसियान कंट्रीज़ के बीच में और उसके 6 फ्री ट्रेड पार्टनर्स के बीच में। ठीक है, तो 10 आसियान कंट्रीज़ कौन सी है? ब्रूनी, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम। तो ये है 10 आसियान कंट्रीज़। इंडिया आसियान कंट्रीज़ में नहीं आता, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप ध्यान रखना। इंडिया जो है वो एक फ्री ट्रेड पार्टनर है आसियान कंट्री का। ठीक है, और फ्री ट्रेड पार्टनर और कौन से हैं? ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, चाइना, जापान और कोरिया। तो आसियान के कितने मेंबर्स हैं? 10, और फ्री ट्रेड पार्टनर कितने हैं? 6। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाबार्ड हैज़ अनाउंस दैट इट हैज़ सेंक्शन ₹735.53 करोड़ इन द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ द करंट फिस्कल अंडर द रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। तो नाबार्ड ने 735.53 करोड़ रुपीज़ का लोन जो है वो रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड के अंडर इनमें से कौन सी स्टेट को दिया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर टू, वेस्ट बंगाल। तो ये लोन दिया है नाबार्ड ने वेस्ट बंगाल को। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ इंडियाज टॉप इन्वेस्टमेंट बैंक फॉर इक्विटी इशुएंस बाय प्राइवेट सेक्टर कंपनीज एज पर रिपोर्ट ऑफ प्राइम डेटाबेस इन्वेस्टमेंट बैंकर्स लीग टेबल फॉर फाइनेंशियल ईयर 2017-18।
तो इनमें से कौन सा इंडिया का टॉप इन्वेस्टमेंट बैंक है अकॉर्डिंग टू प्राइम डेटाबेस इन्वेस्टमेंट बैंकर्स लीग टेबल? ठीक है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1, IIFL. नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज अपॉइंटेड द न्यू चेयरमैन ऑफ द पेमेंट्स काउंसिल ऑफ इंडिया? तो पेमेंट्स काउंसिल ऑफ इंडिया के नए चेयरमैन कौन अपॉइंट हुए हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2, विश्वास पटेल. विश्वास पटेल पेमेंट्स काउंसिल ऑफ इंडिया के नए चेयरमैन अपॉइंट हुए हैं, और सरस्वती प्रसाद जो हैं ये अपॉइंट हुए हैं सेल के चेयरमैन और MD. ठीक है, सेल जो है वो है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड. नेक्स्ट क्वेश्चन, RBI इशूड लाइसेंस टू विच चाइनीज बैंक टू लॉन्च ऑपरेशंस इन इंडिया? RBI ने इनमें से कौन से चाइनीज बैंक को लाइसेंस दे दिया है ताकि वो ऑपरेशन अब स्टार्ट कर सकते हैं इंडिया के अंदर? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1, बैंक ऑफ चाइना. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच क्रेडिट कार्ड इशूअर अनाउंस द लॉन्च ऑफ ईला, इलेक्ट्रॉनिक लाइव असिस्टेंट, अ वर्चुअल असिस्टेंट फॉर अ कस्टमर सपोर्ट एंड सर्विसेज? तो इनमें से कौन से क्रेडिट कार्ड इशूअर ने एक नया वर्चुअल असिस्टेंट को लॉन्च किया है जिसका नाम क्या है? ईला. इसका फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक लाइव असिस्टेंट. तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1, SBI कार्ड. तो SBI कार्ड ने लॉन्च किया है ईला, ध्यान रखना. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच बैंक ओवरटुक रशियाज स्पर बैंक टू बिकम द मोस्ट वैल्यूएबल बैंक इन द इमर्जिंग मार्केट आउटसाइड चाइना? तो इनमें से कौन से बैंक ने रशिया का स्पर बैंक जो बैंक है उसको ओवरटेक कर दिया है और अब वो बन गया है मोस्ट वैल्यूएबल बैंक आउटसाइड चाइना? ठीक है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3, HDFC बैंक. नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स हैज़ डेवलप्ड विच मोबाइल ऐप टू प्रोटेक्ट इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर्स? तो CBIC ने इनमें से कौन सा मोबाइल ऐप को डेवलप करा है ताकि वो कंज्यूमर्स को प्रोटेक्ट कर सके? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2, GST वेरीफाई. अब ये ऐप क्या है? ये ऐप कंज्यूमर्स को बताएगा कि जो भी पर्सन या फिर कंपनी जो उनसे GST ले रही है वो एलिजिबल है GST लेने के लिए या नहीं, तो इन सारी चीज़ों के बारे में वो इन्फॉर्मेशन देगा. ठीक है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स जो है इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में. और इसके बारे में एक और चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि इसके चेयरमैन हैं जो अभी अपॉइंट हुए हैं उनका नाम है S. रमेश. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री रिलीज द फाइनल रैंकिंग्स ऑफ स्टेट इन ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इन न्यू दिल्ली. विच स्टेट टॉप द रैंकिंग्स ऑफ स्टेट इन ईज ऑफ डूइंग बिजनेस? तो DIPP ने और मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्री ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रैंकिंग रिलीज करी थी, तो इनमें से कौन सी स्टेट ने उसको टॉप किया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2, आंध्र प्रदेश. ये मैं आपको काफ़ी बार बता चुकी हूँ, तो अब तो आपको शायद ये याद ही हो जाना चाहिए. नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया सिक्योर्ड वॉट पोजिशन अमंग द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इकोनॉमी ओवरटेकिंग फ्रांस अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक डेटा ऑन ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑफ कंट्रीज फॉर 2017? तो वर्ल्ड बैंक के GDP डेटा के अकॉर्डिंग इंडिया ने फ्रांस को ओवरटेक कर दिया है और अब उसकी पोजीशन क्या आ गई है वर्ल्ड की लार्जेस्ट इकोनॉमी के अंदर? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2, 6th. तो इंडिया बन गया है वर्ल्ड की 6th लार्जेस्ट इकोनॉमी और उसने ओवरटेक कर दिया है फ्रांस को. और वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंग जो GDP थी इंडिया की वो थी $2.597 trillion. ठीक है, तो $2.597 trillion है GDP इंडिया की इन 2017. नेक्स्ट क्वेश्चन, नीति आयोग हैज़ प्रपोज्ड 15-point action plan नेम्ड व्हाट फॉर कॉम्बैटिंग एयर पोल्यूशन इन 10 मोस्ट पॉल्यूटेड सिटीज़ इन इंडिया? तो नीति आयोग ने एक 15-point action plan बनाया है जिसका नाम क्या है ताकि वो जो 10 मोस्ट पॉल्यूटेड सिटीज़ हैं इंडिया की वहाँ पर एयर पोल्यूशन को कंट्रोल कर सके? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2, ब्रीथ इंडिया. नीति आयोग जो है इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में. और नीति आयोग के जो चेयरमैन होते हैं वो कौन होते हैं? हमारे प्राइम मिनिस्टर, अभी हैं वो PM मोदी. इसके वाइस चेयरमैन हैं राजीव कुमार और इसके CEO है अमिताभ कांत. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, इनको आप भूलना मत. नेक्स्ट क्वेश्चन, वॉट इज़ इंडियाज रैंक इन द ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स डेवलप्ड बाई कॉर्नल यूनिवर्सिटी, द पेरिस बेस्ड बिजनेस स्कूल INSEAD एंड द वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन इन जनेवा? तो इंडिया की रैंक ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में क्या है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 4, 57. इंडिया की रैंक आई थी 57 और इस इंडेक्स को टॉप किया था स्विट्जरलैंड ने. नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन आर्मी हैज साइंड अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विथ विच बैंक ऑन द डिफेंस सैलरी पैकेज? तो इंडियन आर्मी ने इनमें से कौन से बैंक के साथ एक MOU साइन किया है डिफेंस सैलरी पैकेज के लिए? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया. नेक्स्ट क्वेश्चन,
विच स्टेट हैज़ टॉप्ड अदर स्टेट्स इन पर कैपिटा रेवेन्यू कलेक्शन अंडर GST? तो इनमें से कौन से स्टेट ने पर कैपिटा रेवेन्यू कलेक्शन अंडर GST में टॉप किया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3, हरियाणा। इसका मतलब हरियाणा से सबसे ज़्यादा रेवेन्यू कलेक्शन हुआ है GST के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेकेंड इंडियन फर्म हुज मार्केट कैपिटलाइजेशन हैज़ क्रॉस्ड द $100 बिलियन माइलस्टोन? तो इनमें से कौन सी इंडिया की सेकेंड इंडियन फर्म बनी है जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है उसने $100 बिलियन को क्रॉस कर दिया? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2, रिलायंस इंडस्ट्रीज। रिलायंस इंडस्ट्रीज सेकेंड इंडियन फर्म बनी है, पहली इंडियन फर्म कौन थी? TCS। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एंड नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट यानी कि NABARD हैव जॉइंट हैंड्स टू प्रोवाइड कोलैटरल फ्री क्रेडिट इन विच स्टेट? तो SBI ने और NABARD ने मिलकर कोलैटरल फ्री क्रेडिट जो है वो इनमें से कौन सी स्टेट में प्रोवाइड करा है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 4, तेलंगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स हैज़ प्रेज्ड विच बैंक फॉर इट्स इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी? तो BIS यानी कि बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट ने इनमें से कौन से बैंक को प्रेज करा है उसके इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी के लिए? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। RBI को BIS ने इस चीज़ के लिए प्रेज करा है। BIS जो है इसका हेडक्वार्टर है बेजल स्विट्जरलैंड में। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप ध्यान रखना, बहुत बार पूछ लेते हैं कि BIS का हेडक्वार्टर कहाँ है। तो इसका हेडक्वार्टर है बेजल स्विट्जरलैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन, HDFC सिक्योरिटीज़ अनाउंस्ड लॉन्च ऑफ म्यूचुअल फंड्स ट्रांजैक्शन कैपेबिलिटीज़ ऑन फेसबुक मैसेंजर थ्रू देयर वर्चुअल असिस्टेंट नेम्ड। तो HDFC सिक्योरिटीज़ ने एक वर्चुअल असिस्टेंट को लॉन्च करा है जिसका नाम क्या है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2, आर्या। तो HDFC सिक्योरिटीज़ का वर्चुअल असिस्टेंट है आर्या। तो ये थे आज के कुछ क्वेश्चंस। आई होप आपको अच्छा लेक्चर पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ़ यू हैवेंट ऑलरेडी। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।